नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मतलब है PMGKY योजना, जो कि वर्तमान समय में विश्व में जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, नोवेल कोरोना वायरस COVID-19, तो भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए एक योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतने ही बेहतर वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से 26 मार्च 2020 को गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे गरीबों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। 26 मार्च 2020 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आज किए गए विभिन्न उपायों का उद्देश्य निर्धनतम लोगों के हाथों में भोजन एवं पैसा देकर उनकी भरसक मदद करना है, ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति या वस्तुओं को खरीदने और अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। COVID-19 से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेगी। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे इससे। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांग जनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार वर्तमान पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी। 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे इससे। केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले बिंदु की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दालें योजना, किसानों को लाभ योजना, गरीबों की मदद योजना, गैस सिलेंडर योजना, संगठित क्षेत्रों में पारिश्रमिक पाने वालों की मदद की योजना, वरिष्ठ नागरिकों अर्थात 60 वर्ष से अधिक विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सहायता योजना, मनरेगा योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, संगठित क्षेत्र योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष योजना, जिला खनिज कोष योजना। तो आइए हम एक एक के बारे में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी जिसको पैरामेडिक्स कहते हैं, टेक्नीशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक विशेष बीमा योजना के तहत बीमा कवर पाएंगे। COVID-19 मरीजों का इलाज करते समय
किसी भी स्वास्थ्य प्रोफेशनल के साथ दुर्घटना होने पर उन्हें योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस महामारी से लड़ने के लिए लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बीमित बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगली है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत सरकार अगले 3 महीनों के दौरान इस विपत्ति से की वजह से खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण किसी को भी, विशेषकर किसी भी गरीब को, परिवार को कष्ट नहीं होने देगी। 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात भारत की लगभग 2/3 आबादी को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अगले 3 महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया जाएगा। यह अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा। अगली बात करते हैं दालें की। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीनों के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को 1 किलो दालें दी जाएगी। ये दालें भारत सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाएगी। किसानों को क्या क्या लाभ होगा इस योजना से? 2020-21 में दे 2000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत खाते में डाल दी जाएगी। इसमें 7 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं गरीबों की मदद के लिए। कुल 40 करोड़ पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को अगले 3 महीनों के दौरान प्रतिमाह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर के बारे में। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। अब बात करते हैं संगठित क्षेत्रों में काम पारिश्रमिक पाने वालों की मदद के लिए क्या है इसमें। 100 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में प्रतिमाह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक पाने वालों को अपना रोजगार खोने का खतरा है। इस पैकेज के तहत अगले 3 महीनों के दौरान उनके पीएफ खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24% भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। इससे उनके रोजगार में व्यवधान या खतरे को रोका जा सकेगा। वरिष्ठ नागरिकों अर्थात 60 वर्ष से अधिक, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सहायता। ऐसी लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाएं और दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं जो कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान के कारण असुरक्षित है। उन्हें सरकार अगले 3 महीनों के दौरान कठिनाइयों से निपटने के लिए 1,000 रुपये देगी। मनरेगा योजना में क्या लाभ होगा? पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने से प्रत्येक श्रमिक को सालाना 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इससे लगभग 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। स्वयं सहायता समूह। 63 लाख स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से संगठित महिलाएं 85 करोड़ परिवारों को आवश्यक सहयोग देती है, जिसमें जमानत अर्थात कोलैटरल मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले के लिए कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर महामारी को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि के 75% का गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। EPF के तहत पंजीकृत 4 करोड़ कामगारों को परिवार इस सुविधा के लाभ उठा सकते हैं। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष। भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण कोष केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत बनाया गया है। कोष में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक है। राज्य सरकारों को इस कोष का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे ताकि वे इन श्रमिकों को आर्थिक मुश्किलों से बचाने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान कर सके। जिला खनिज कोष। राज्य सरकार से जिला खनिज कोष DMF के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण, टेस्टिंग
स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की पूरक एवं संवर्धित या बढ़ी हुई सुविधाओं का इंतजाम किया जा सके और इसके साथ इस महामारी की चपेट में आए मरीजों का इलाज भी हो सके। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।